ब्रेक के बाद देवभूमि में आप सभी का स्वागत। उत्तराखंड से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है कि पिछले 100 घंटे में कोरोना का कोई भी केस उत्तराखंड में नहीं मिला है। उत्तराखंड में अब तक 7 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता रहे कि उत्तराखंड में दिख रहा सोशल डिस्टेंसिंग का असर, उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 35 पर ठहर गई है। आज भी 125 सैंपल की रिपोर्ट मिली, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने में देहरादून के लोग शामिल हैं। पिछले 100 घंटे में कोरोना का कोई भी केस नहीं है। उत्तराखंड में दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का असर और 100 घंटे में कोई भी केस ना आना उत्तराखंड की सरकार के लिए राहत की खबर जरूर है। तो उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 35 पर ठहरी है। आज भी 125 सैंपल की रिपोर्ट मिली है, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने वालों में देहरादून के लोग भी शामिल हैं। तो पिछले 100 घंटे में कोरोना का कोई भी केस नहीं आया है। उत्तराखंड से कोरोना को लेकर यह राहत भरी खबर है। तो पिछले 100 घंटे में कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में अब तक 7 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। तो उत्तराखंड से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है और सोशल डिस्टेंसिंग का असर उत्तराखंड में साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 35 पर ठहर गई है। तो कोरोना पॉजिटिव की तादाद ठहरी है। आज भी 125 सैंपल की रिपोर्ट मिली, सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो इस राहत भरी खबर पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, लगभग पिछले 100 घंटे में अभी कोई नया केस सामने नहीं आया है और 7 लोग हमारे पूरी तरह ठीक होकर के अपने घरों को चले गए हैं। अभी 2-3 की ऐसी उम्मीद है कि वो भी 1-2 दिन में उनकी भी सेकेंड रिपोर्ट नेगेटिव आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्थिति ये कह सकते हैं कि नियंत्रण में है, लेकिन भविष्य की जो आशंकाएं हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं कई बार लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं और कई बार काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं, 1-1 महीने के बाद लक्षण आ रहे हैं। और इस वजह से मैंने कहा कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहूँगा कि आप अपना चेहरा, अपना नाक मुंह ढककर चलें। बहुत ज़रूरी नहीं कि मास्क ही हो, जैसे हमने एक रुमाल लिया है तो इस ढंग से भी हम लोग उसको ढक सकते हैं। और इसको एक बार दिन यूज करने के बाद इसको गर्म पानी से धुल लें, प्रेस कर सकते हैं तो प्रेस कर लें। और इस तरह के 2 कपड़े अगर हम अपने पास रखते हैं तो हम 80% हम सुरक्षित हो जाते हैं। तो सतर्कता बरतें, ये मैं कहना चाहूंगा। तो वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने पूरे आंकड़े भी बताए, वो हम आपको सुनाते हैं। रिजल्ट्स आए हैं, सारे नेगेटिव हैं और कुल टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो डिटेक्ट हुए थे 35 है। तो वी आर लकी कि पिछले 5 दिनों से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वायरस इस क्षेत्र में नहीं हो सकता। हमें सजग रहना है और लगातार जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, ये चीज़ें हमें लगातार करते रहनी है तब तक जब तक हम इस वायरस के प्रकोप से फ्री नहीं हो जाते, तब तक जब तक फाइनल नहीं हो जाता है कि हमारे क्षेत्र में कोई वायरस मौजूद है। इसके अलावा जैसे आज 111 सैंपल भेजे हैं जो अंडर ट्रांजिट है, 191 सैंपल सभी लैब्स, दोनों लैब्स के पास मौजूद है जिनमें अभी टेस्टिंग चल रही है। तो प्रेफरेबली कल तक 100 प्लस से ज़्यादा या 150 प्लस तक रिजल्ट हमें मिल जाने चाहिए। इसके अलावा पिछली बार भी एक इशू आया था कि कई लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होते या दिव्यांग होते हैं या डायलिसिस के भी केसेस होते हैं और नहीं मिल पाता क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। तो उसके लिए डायरेक्शंस 108 एम्बुलेंस सर्विस को दे दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा कॉल आता है डायलिसिस का या कार्डियक का जहाँ पे व्हीकल की उनको दिक्कत होती है तो 108 एम्बुलेंस से उनको घर से लाएंगे और उनको वापस घर पे ट्रीटमेंट के बाद या डायलिसिस। रेजिडेंट राइटर फहीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, पिछले 100 घंटे और एक भी कोरोना का पॉजिटिव मरीज नहीं है, स्थिति काफी हद तक सामान्य नजर आती है, क्या हकीकत यही है?
बिल्कुल प्रसाद, देखिए पांचवा दिन है आज और पांच दिन में कोई भी कोरोना पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है, डिटेक्ट नहीं हुआ है, ये बड़ी राहत की बात है। और स्थिति नियंत्रण में, जिस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, तो ये आंकड़े देख करके वाकई लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं। लेकिन फिर भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये और अच्छी बात है कि बताया जा रहा है कि दो तीन और जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनकी जो पहली रिपोर्ट है तीन लोगों की, वो निगेटिव आई है। अब उनकी कल और परसों दो दिन में उनकी एक दूसरा टेस्ट होगा, और वो अगर निगेटिव आता तो ये और राहत की बात हो जाएगी कि उन इलाज के बाद और लोग ठीक होने की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, तो ये अच्छी बात है। और जो इतना जरूर है तुषार, इसके पीछे अगर हम देखें तो जो प्रिवेंटिव स्टेप्स त्रिवेंद्र सरकार ने लिए हैं वो स्टेप्स काफी कारगर साबित हो रहे हैं। यानी एक पॉजिटिव पाए जाने के उसके सभी संपर्कों को बहुत त्वरित गति से, तत्परता के साथ, जिस तरीके से ट्रेस आउट किया गया, फिर उनको क्वारंटाइन किया गया, फिर उनको अलग रखा गया, ये तमाम कारण रहे। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से अभियान चलाया गया, तो ये बहुत बड़ा कारगर कदम साबित हुआ है। और शायद यही वजह है कि आगे अभी और जरूरत महसूस इसकी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, लॉकडाउन बना रहे, तो इसीलिए फिर अभी 30 अप्रैल तक बात की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज इसके बहुत साफ तौर पर संकेत दिए हैं, कल इसकी घोषणा हो जाएगी। और अभी आगे ये कल चूंकि प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन है, तो अभी लॉकडाउन रहेगा और उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत की बात है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें तो पिछले 100 घंटे यहाँ पर राहत भरे रही हैं, और उत्तराखंड के अंदर ये 100 घंटे जरूर राहत भरे होने के साथ साथ सरकार के लिए चिंता की लकीरों को कम करने वाले भी हैं। तो वहीं लॉकडाउन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान, लॉकडाउन को धीरे धीरे सीमित करना चाहिए, जान है तो जहान है की बात को हमने और थोड़ा आगे बढ़ाया है। पीएम मोदी से भी, लगभग सभी राज्यों से ने भी एक मत में यह बात कही है। कल लॉकडाउन को लेकर हमारी रणनीति सबके सामने आ जाएगी। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से ये सस्पेंस भरे अंदाज में कहा गया कि कल जब प्रधानमंत्री सबके आगे मुखातिब होंगे, राष्ट्र के आगे मुखातिब सुबह 10 बजे होंगे, तो सबके आगे हमारी रणनीति सामने आ जाएगी। सभी ने एक बात खुले मंच पर, खुले तौर पर आकर कही है कि जान है तो जहान है। देखिए जो लॉकडाउन है इसको हमको धीरे धीरे सीमित करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सूत्र रूप में अपनी बात कही कि जान भी और जहान भी, हमको दोनों के बारे में विचार करना है। फर्स्ट फेज में उन्होंने कहा था कि जान है तो जहान है, अब हमने थोड़ा सा उससे आगे की सोची है, आगे की रणनीति का सोचा है, और वो रणनीति बनकर सामने आ जाएगी। हमने भी अपने सुझाव भारत सरकार को दिए हैं, और काफ़ी सुझाव जो हमने दिए हैं सामान्यतः सभी लोगों की एक जैसी राय है, और इसलिए कल हम इस पर आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे। देखिए जो लॉकडाउन है, तो वहीं हल्द्वानी के वन भूलपुर में कर्फ्यू की घोषणा होते ही भारी पुलिस बल तैनात हुआ। वन भूलपुर के अंदर कर्फ्यू को लेकर बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, कोरोना से जंग में सभी को सहयोग करने की जरूरत है, सभी धर्म गुरुओं और सामाजिक लोगों को आगे आने की जरूरत है, हमको किसी भी हालत में स्थिति को नियंत्रण में रखना है। हल्द्वानी में लोगों की भीड़ जमा होने पर कर्फ्यू का फैसला लिया गया।
तो ये तस्वीर हम आपको हल्द्वानी की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम आपको लोग सड़कों पर नजर आएंगे। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरह से लोग यहां पर सड़कों पर उतर कर आए। लॉकडाउन का समय है और ऐसे लॉकडाउन के समय में लोग बनभूलपुर इलाके के अंदर हल्द्वानी में बाहर निकल आए। इसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, आपको सड़कों की तस्वीर से अंदाज़ा हो जाएगा किस तरीके के हालात यहाँ पर हुए थे। बनभूलपुर में कर्फ्यू की घोषणा होते ही भारी पुलिस बल वहाँ पर तैनात करना पड़ा और उसके बाद इन लोगों को वहाँ से खदेड़ा गया। फिलहाल आपको बता रहे, कोरोना की जंग के बीच में, लॉकडाउन के बीच में यहाँ पर इतने लोगों का एक साथ सड़क पर आना एक बड़ी खबर ज़रूर है। हल्द्वानी से एक खबर, जहाँ पर कोरोना से जंग में सभी को सहयोग करने की ज़रूरत थी, ये सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से कहा गया। लेकिन सीधे तौर पर आपको बता दें कि बनभूलपुर इलाके की यह तस्वीर, जहां पर तमाम लोग सड़कों पर निकल आए और एक बड़ी भीड़ की शक्ल में ये सड़कें नजर आने लगी। इसी के बाद यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस बल को तैनात करना पड़ा और उसके बाद ये तमाम लोगों को खदेड़ा गया, तब ये यहां से हटे। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान ऐसी तस्वीर जरूर चिंताजनक। देखिए, हमको किसी भी हालात में स्थिति को नियंत्रण में रखना है और मैंने इसलिए शुरू से कहा कि अगर हमको इसके लिए कोई भी सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। मैंने बार बार तमाम लोगों से अपील की कि आप इसमें हमारा सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए। जो समाज में हमारे धर्मगुरु हैं, जो समाज में सामाजिक लोग हैं, जो सामाजिक कार्यों में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। नहीं तो स्थिति कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। जिस तरह से हम दुनिया में आज कोरोना का प्रभाव या दुष्प्रभाव हम जो आज देख रहे हैं, एक लंबी समस्या है। लंबे समय तक हमको बहुत सतर्कता से, सजगता से रहने की जरूरत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। गायिका संगीता ढोंडियाल ने न्यूज़ वन इंडिया के जरिए अपील की है। गायिका संगीता ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का बढ़ाना जरूरी, लॉकडाउन के कारण ही भारत में स्थिति नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ाई में सभी लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। लॉकडाउन बढ़ाने से ही संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। संगीता ढोंडियाल की तरफ से ये न्यूज़ वन इंडिया पर अपील की गई है। नमस्कार, मैं संगीता ढोंडियाल न्यूज़ वन इंडिया चैनल के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना से लड़ाई में आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस विपत्ति में भी एक अच्छी बात यह है कि और देशों की अपेक्षा हमारे भारत में अभी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अभी कम है, जिसका कि पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते हुए 21 दिन का जो लॉकडाउन किया उससे जो स्थिति है जो वो नियंत्रण में है। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। और अभी हाल ही में है 14 तारीख को ये जो लॉकडाउन का की अवधि भी समाप्त होने वाली है। और जैसा कि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अगर ये लॉकडाउन खुलता है तो ये इस संक्रमण के फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। और मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि इस लॉकडाउन की अवधि को अभी और बढ़ाया जाना चाहिए। तो संगीता ढोंडियाल की तरफ से ये अपील आपने सुनी न्यूज़ वन इंडिया पर और उन्होंने अपील सभी से की है कि लॉकडाउन के दौरान अपने अपने घरों में रहिए, घरों से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घरों से बाहर निकलना कहीं ना कहीं कोरोना को वापस अपने घर लेना होगा। वैसे में गायक संगीता ढोंडियाल की तरफ से अपील की गई है और न्यूज़ वन इंडिया के माध्यम से संगीता ढोंडियाल ने यह अपील की है। न्यूज़ वन इंडिया चैनल के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना से लड़ाई में आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इस विपत्ति में भी एक अच्छी बात ये है कि और देशों की अपेक्षा हमारे भारत में अभी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अभी कम है, जिसका कि पूरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने समय रहते हुए 21 दिन का जो लॉकडाउन किया उससे जो स्थिति है जो वो नियंत्रण में है। लेकिन इसके बावजूद भी धीरे धीरे कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है।
और अभी हाल ही में 14 तारीख को ये जो लॉकडाउन का की अवधि भी समाप्त होने वाली है, और जैसा कि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।